हम लोग अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद सीधा हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच के हमारी ट्रेन 8:15 पर पहुंची थी, हम 8:20 पर वहां से निकल गए। उसके बाद रास्ता हमारा कुछ कठिन था, रात हमारी पूरी ट्रेन मतलब पूरी भरी हुई थी और दिन भी हमारा कुछ इसी प्रकार गया, मतलब हमारी ट्रेन पूरी भरी हुई थी। तो अभी सब लोग उतर चुके कोपरगांव स्टेशन पे, बीच का हमने दिखाया नहीं ज़्यादा क्योंकि क्या दिखाएंगे, हम लोग भी बीच बीच के बैठे थे, वो वीडियो में दिख चुका होगा। अब यहाँ से अभी हम सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म पे, फर्स्ट पे जा करके टैक्सी मिलती है या ऑटो के लो या टैक्सी, देखते हैं क्या मिलते हैं, उससे जाते हैं सीढ़ी। तो अभी स्टेशन से बाहर निकल चुका है, ये स्टेशन चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, यहाँ पर स्टॉप है, यहाँ पे ऑटो से लेते हैं, चलते हैं स्टडी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सीढ़ी के लिए, कोपरगांव से सीढ़ी होटल तक, जिसका आपकी डेस्टिनेशन होगी होटल, वहाँ तक के ये लोग 100 रुपये लेते हैं। और इनका पता नहीं क्या सीन था, हमें इन्होंने 3 बार उतरवाया, 3 बार ऑटो चेंज हुए, बता रहे थे कि नंबर वगैरह का सिस्टम, पर ये चीज़ बेकार है, बैग चढ़ाओ फिर उतारो फिर चढ़ाओ फिर उतारो, ऐसे मतलब 3 बार रूट। पहुँच चुके हैं होटल के सामने और इसको पैसे। तो अभी हो चुके रेडी, जा रहे हैं दर्शन के लिए, दर्शन करके हम लोग पीछे खाने के लिए जाएंगे, देखते हैं फ़ोन अंदर ले जाने देते नहीं रखने थे। दर्शन के लिए जा रहे हैं, लाइन आज से ज़्यादा लग रही है, आगे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लाइन आगे ज़्यादा लग रही है। बाकी पास वास का सिस्टम ख़त्म हो चुका है अपना, जाओ सीधा दर्शन करो। एक गड़बड़ हो गई, हम लोगों ने सोचा था कि फ़ोन वोन सबमिट करने वहीं कर देंगे, पर लाइन थी। तो आप लोग भी फ़ोन अपने अपने होटल में छोड़ना, और यहाँ पर मैं क्लिप पेंट कर रहा हूँ, क्लिप अब शायद दर्शन करने के बाद ही मिलेगी, तो बताता हूँ दर्शन कैसे होगा। हमारे हो चुके दर्शन, तो अभी हम लोग कुछ जा रहे हैं खाने, मैं वहीं हूँ अपना घूम रहा हूँ, चलते दर्शन करने। वो दर्शन नहीं, दर्शन करके तो आ चुके हैं, अब जाते हैं खंडवा मंदिर और फिर वहाँ पर कुछ खाएंगे अपनी पाव भाजी वाले अड्डे पे, वहाँ पे मिलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खंडवा मंदिर, हमने कुछ खाने को सोचा था, मिला कुछ नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं खंडवा मंदिर, तो यहाँ से रास्ता है सीधा सीधा मंदिर था, अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी क्योंकि अंदर कीर्तन हो रहा है, आप देख लीजिए ये मंदिर था और यहाँ पर रोड है। तो हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मैं पिछले 8-9 सालों से जा रहा हूँ खाने के लिए, हमेशा जब भी आओ वहाँ खाओ। अभी मैं दिखाता हूँ, एक पाव भाजी वाला है, इससे बेस्ट मैंने पाव भाजी कहीं की नहीं खाई है, कहीं की भी नहीं, मतलब कहीं की भी नहीं, मेरे घर के छोड़ो मेरे घर पे बेस्ट बनती है, सेकंड ही है, चाहे सस्ती हो महंगी, महंगी तो होती नहीं है वैसे, सस्ती है। ये आइसक्रीम वाला इसी के बगल में, ये जो बना रहा है ये वाला, ये जो बना रहा है यही यही वाला मेरा फेवरेट है, अभी खाएंगे इधर ही खाएंगे हम। हाँ चल रही पाव भाजी मंचूरियन पाव भाजी खा क्या मिलता है। तो मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस हुई 5-10 मिनट के, द्वारावती है, हम लोग आए थे तो पार्क तो बंद है, शायद रात को बंद रहता है, और अंदर हम लोग जा नहीं रहे, हमने बाहर चाय वगैरह ले लिया, कॉफ़ी ये सब लोग पी रहे हैं, चाय दूध कॉफ़ी सब लोग पी रहे हैं और मैं भी कॉफ़ी पी रहा हूँ, तो आपको मिलते रास्ते में। तो अभी हम चल रहे हैं मार्केटिंग करते हुए,
सब लोग आगे चले गए हैं, हम पीछे हैं। कवर अप करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी भागो 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 भागो। सुबह सुबह दर्शन करके आ गए, अभी हमारा चल रहा है बड़ा पाव, खाते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ देखिए सब लोग निकल रहे हैं साई तीर्थ के लिए, अपना होटल चेकआउट कर। ऐसा व्यू था कुछ होटल से कर रहे, और आपको मिलते हैं हम साई तीर्थ के टिकट काउंटर। तो मैं अब जा रहा हूँ नीचे, दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ बैग वैग लेके, नहीं रहा दिख गया। तो नीचे पहुंच चुके हैं, अब अकेला इंसान कितनी मेहनत करेगा यार। तो अभी सब लोग चल रहे हैं साई तीर्थ की तरफ, तो जाता है साई तीर्थ की तरफ ही जा रहा है ये रास्ता, और पीछे और लोग आ रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं। हमने टिकट लिया 450 रुपये की एक, मतलब होटल से लोगे अपने अपने, तो डिस्काउंट मिलता है, वही डिस्काउंट काट के बताया उनने, मतलब 437 कुछ इसी के आसपास थी, 37 रुपीज़ उनने पर टिकट डिस्काउंट दिया है, तो देख लो ऐड करके 450 रुपये की एक टिकट पड़ी है। और हमारे पास एक लड़का है 7 साल का बच्चा, तो उसकी बता रहे बाय चांस लग सकती है तो उधर जाके ही लेना, तो जा रहे रास्ते में। और एक और चीज़, हाँ इधर टिकट का कोई पास वास नहीं है, ऐसे होता था पहले लाइन में लगना था, लाइन में लगने के बाद में आप लोगों को कूपन लेने पड़ते थे ना, कूपन का सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट फ़ोन वोन जमा कराओ, फ़ोन वोन जमा मत कराओ, होटल होटल में छोड़ दो, आसपास लो होटल सस्ते मिल जाते 1200 रुपये गैस की, आराम से लो फ़ोन छोड़ दो, और आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हुई, हाँ फ़ोन वहाँ पे छोड़ दो और सीधा लाइन में जाके घुस जाओ, आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है बस, लाइन ज़्यादा बड़ी है क्योंकि अभी खाली मंदिर है, और हम तो सैटरडे संडे आए हैं, बहुत भीड़ है बहुत, हमें 2 घंटे करीब लगे, 2 घंटे सुबह सुबह 7:30 बजे सोच लो। और अभी हम भोजनालय भी जाएंगे शायद, भोज मतलब 10:30 से फ्री हो गए हमारी टिकट, क्राउड बहुत है, बस की बसें आई हैं ट्रैवलर वगैरह, आ चुके हैं दोबारा से, थोड़ा सा लुक चेंज करके, क्योंकि यार उस चश्मे में कैमरे में देखना पड़ता है, अब मैं कहीं भी देखूँ तुम्हें क्या मालूम पड़ रहा है। तो पीछे की तरफ उधर से चले जाते हैं अपना उधर भोजनालय, भोजनालय से मतलब तुम्हें पता होगा यार, आते रहते हो इस रेडी मेरी तरह, मैं तो भाई बिल्कुल घर जैसा लगता है बिल्कुल, क्योंकि बचपन से आता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा लगता ही नहीं है बिल्कुल भी कि मतलब मैं अलग जगह आया हूँ, बिल्कुल मतलब घर वाली वाइब। पीछे कीर्तन हो रहा है शायद मेरी आवाज़ क्षमा है, तो एडजस्ट करो नहीं तो मैं आगे जाके मिलता हूँ। पहुँचने वाले साइंटिस्ट ये एंट्री सामने, मैं तो 2-3 बार आ रखा हूँ तब भी मैं आ गया, मैंने कहा चलो अच्छा। और यहाँ की मैंने तो प्री टिकट प्राइस बता ही दिया है, बाकी कार वार का हमारा भी यही है, भीड़ है लग रहा है आज, हाँ भीड़ है, पार्किंग वार्किंग भरी पड़ी है, वो है साई तीर्थ, यहाँ से राइट लेना है, राइट लेकर के ऊपर जाके टिकट जमा, फिर अपना यहाँ पर बैग जमा करते हैं, सामने भीड़ है, छह टिकट पर फ्री राइट हुआ, मैं बनवाऊंगा, और बाकी टिकट यह है हाई किसी हो गया, अब चल रहे हैं अंदर, अंदर चल रहे हैं, मिलते हैं। पहले हम लोग जा रहे हैं लंका डैम, अंदर की वीडियो अलर्ट नहीं है तो हम लोग बनाएंगे नहीं, इन लोगों को परेशान नहीं करते, चालू होने वाला है तो चालू क्या पहले दिखाते हैं, सो चालू हो सका है, अब आप लोगों को क्लियर दिखेगा, सो के बाद में मिलते हैं ठीक है, सो के बाद में पकड़ के रखना पड़ेगा, 4D है, ओह माय गॉड सबको चिल्ला है, देख लिया मूवी सबमिट हो रहे हैं और फिर देखते क्या देखा है। हमने लंका नयन कर लिया है और मैंने बीच में एक चीज़ बनवाई साई नाम का टैटू, और ये फ्री था बिल्कुल, मैंने बनवाया, एक फ़ोटो भी फ्री है, और बाकी अभी हम तीर्थ यात्रा करने आए हैं, तीर्थ यात्रा यहाँ पर लाइन लग रही है, अभी हम लोग हैं
द्वारका माई में, द्वारका माई के अंदर जा रहे हैं। अभी शो चालू होने वाला है 15 मिनट में, आवाज़ कम आ रही होगी, पता है बहुत भीड़। तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बैठे सबसे फ्रंट वाली सीट में, हो सका तो दिखा देंगे। तो द्वारका माई के दर्शन हो चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, मूवी देखते हैं। इधर से रास्ता है वही वाला, अभी हम लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे थे और हम लोग सो चालू हो रहा है, बता रहे हैं जल्दी जल्दी भग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। तो अंदर सब कुछ कर चुके हैं, दिख नहीं रहा है क्योंकि धूप हो रही है, बाहर आ चुके हैं नॉर्मल सा भोजनालय, कुछ खाते पीते हैं, ऑटो से जा रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं फिर चलते हैं। पहुंच चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं कहाँ पर, अंदर जाके कूपन लेंगे, कूपन लेने के बाद खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे। बहुत लंबी लाइन है भाई, बहुत। अंदर तो पता नहीं कितने लोग अभी बैठे हैं, सब उठेंगे फिर जाएंगे, देखता कितना टाइम लगता है। टिकट मिली है ये वाली और हमको अभी हो चुका है आधा घंटा, कोई चलो ऊपर चले गए तो कोई भूख दोबारा खान चले। हम लोग यहाँ पे इतने भूखे हैं और इस बच्चे को देखो, मेरे सामने लड्डू खा रहा है, इसको इतनी भूख लग रही थी इससे रहा नहीं गया, मेरे सामने लड्डू खा रहा है। सबसे एंड वाली रो मिली है यार, अब देखते हैं क्या आता है, भूख लग रही है। आप पी के फ्री हो चुके, चल रहे हैं अब सामने म्यूजियम है पर हम नहीं जाएंगे, और हम लोग जाएंगे पति बैठने। ये हम लोग ड्रोन शूट ले रहे हैं आपके लिए, रिस्क लेके मोबाइल जेब में डालो। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं खाना वाना खा के पूरे सेट होकर के, कुत्ता ठीक है, खाना वाना खा के सब कुछ सेट होकर के निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं द्वारावती, क्योंकि हम यहाँ पे बचपन से रहते हैं, हमें शॉर्टकट पता है। हम कोई के कोई है नहीं, बाइक वाइक चल रही है, हम बहुत ख़तरनाक है बंदे हैं, हमें सब पता है। अभी हमने राइड करी थी, एक बंदे की सुसु निकल गई थी, कुछ नहीं हो सकता, बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। तो भाई अब द्वारावती जा रहे हैं, द्वारावती में खाएंगे पियेंगे मजे करेंगे, फिर शिरडी से अलविदा लेने का समय आने वाला है। शिरडी छोड़ता समय अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल जैसे घर घर होता ना घर, अब मेरा दूसरा घर है ये यार, यहाँ पर बस जमीन लेना बाकी है, जमीन। और दिखा टैटू हट रहा है, टेम्पररी तो है, सब कुछ सफा हो रहा है, पता नहीं कौन है अम्मा, जो भी है अच्छी सोसाइटी है तो इतना घर ले ले दोबारा वालों। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपने जाएंगे खंडो बाबा मंदिर, फिर ये शॉपिंग वगैरह करके फिर जाएंगे होटल, और हमने टैक्सी बुक कर लिया, टैक्सी आएगी 9 बजे, तो 9 बजे का वेट करता हूँ, और मैं बेबी सिटिंग कर रहा हूँ, दो बच्चे संभाल रहा हूँ, दो बच्चे अकेला सोचो, और वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम लोग दोबारा से द्वारका माई गए थे, फ़ोन तो छीन लिया गया था, भीड़ चल रही है और भीड़ लगी हुई है, बहुत तगड़ी वाली भीड़ है। अब हो जा जूम यार, जूम नहीं होता यार मेरे पे, हो गया। अभी दोबारा से हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं भूत दर्शन, और सामने गीत का समारोह चल रहा है मस्त। अब हमारी टिकट है तो हम लोग जा रहे हैं शिरडी छोड़ के हम लोग, अच्छा बहुत पता नहीं, 9 बजे जाएंगे, 12:30 बजे की ट्रेन है। तो अभी हम जा रहे हैं बाईजा माँ के घर, जो घर यहाँ पर 9 सिक्के रखे हुए हैं,
स्ट्रेट आते हैं, द्वारका माई से स्ट्रेट आते हैं अपोजिट की तरफ, हमें बोर्ड लगा हुआ। बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पे और बहुत सारे नहीं भी जाते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। ये है अंदर, हाँ ये इनका कुआं है, सब कुछ लिख रखा है। और इधर मतलब घर तो नहीं है कन्फर्म, बट ये है, ये है तो जैसे कि बताया था ये, वो सामने 9 सिक्के दे रखे हैं, तो साइन वन दिए थे, लगा के रखे हैं ना, हाथ में रखे हैं इसलिए है। और इस घर को शायद रेनोवेट करा गया है, ये पूरा अंदर से टूटा हुआ था तो अब नहीं घूमता, अब नहीं घूम रहा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल पे, बैग रख रखे हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से अपनी कैब आ रही है, कैब ले करके मनमाड़। बहुत बुरा लग रहा है, तो ये वाला सीन रिकॉर्ड करते हैं, बहुत बुरा लग रहा है जाने का। गाड़ी के अंदर सामान बांध जा रहा है, मंदिर तो हमारे पीछे ही रहता है और ये हमारा होटल है। हाँ जा रहे हैं, अब ब्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना कि आप लोग फैमिली ट्रिप और दोस्तों के साथ ट्रिप बना सको। बाय बाय।